अब जैसे मैं अपना निजी उदाहरण बताता हूँ, मेरे परिवार में भी कॉन्फ्लिक्ट है। मैं भक्त हूँ, भक्ति में, और पिछले 12 साल से हूँ और ब्रह्मचारी हूँ। माता पिता भक्ति को तो सपोर्ट करते हैं, पर उनकी इच्छा है कि शादी हो, विवाह हो, और दूसरी भी इच्छाएं हैं उनकी, जॉब बिजनेस भी हो, अर्निंग भी हो, तो इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट है। अब मैं कैसे यहाँ पर इस तनाव को कम कर सकता हूँ? मुझे प्रयास करना चाहिए कि कुछ ऐसे लोगों को मैं तैयार करूँ जो जाके मेरे माता पिता को मेरे पक्ष समझाएं, यानी भक्ति के पक्ष को और ब्रह्मचर्य के पक्ष को, और वे लोग, उनकी निजी विचारधारा जो भी हो, उन्हें चाहिए कि वे मेरे पक्ष को, इन्हें भक्ति और ब्रह्मचर्य को बहुत महानता उसकी बताएं और उसके गुणगान करें, बहुत तारीफ करें, बहुत बहुत तरह से उसके फ़ायदे बताएं। तो उससे ये होगा कि माता पिता की विचारधारा बदलेगी और वे भी भक्ति को और गंभीरता से लेंगे अपने जीवन में और ब्रह्मचर्य को, और फिर वो मेरा भी सम्मान करेंगे। और फिर यानी जब दोनों पक्ष की विचारधारा एक हो जाएगी तो फिर वहाँ पर कोई मतभेद, तनाव नहीं रहेगा, अशांति नहीं रहेगी। और मुझे ये भी प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोगों को दूर रखूँ अपने माता पिता से जो जाके उनके पक्ष की बात करते हों और वो ऐसा समझाते हो कि नहीं, आपका बेटा तो बहुत गलत कर रहा है और आपको चाहिए कि उसे समझाएं, उसको बदलने का प्रयास करें। तो भले ही वो बहुत निकट के संबंधी हो, रिश्तेदार हो या कोई और भी हो, तो मुझे प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोगों को दूर रखूं उनसे, माता पिता से, और वो मेरे माता पिता ऐसे लोगों की संगति में हो जो हमेशा मेरे पक्ष की बात करें, और वो इस तरह से उस बात को रखें कि वो वास्तव में उनके हितेशी हैं और एकदम सही बात कह रहे हैं जो उनके फ़ायदे में है और शांति, परिवार की शांति में है, अल्टीमेटली सभी का हित है इसमें, समाज का भी। तो यहाँ पे मुझे दो प्रयास करने हैं, ऐसे लोगों को उनकी संगति में रखना है जो मेरे पक्ष को समझाएंगे, और ऐसे लोगों को उनसे दूर रखना है जो मेरे विपक्ष में बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैं जो तनाव है परिवार में कम कर सकता हूँ। और जो समझाने वाले हैं, अगर उनका कुछ ऐसा निजी मत है भी, तो उन्हें चाहिए कि वो मेरे माता पिता को ना बोलें, मुझे आके समझाएं। अगर वो चाहते हैं कि मैं माता पिता जैसा बन जाऊं, उनकी विचारधारा को अपना लूं, तो वो मुझे आगे समझाएं। पर होता क्या है कि अधिकतर समाज में लोग मूर्ख हैं, वे नहीं जानते कि कैसे शांति स्थापित की जाए, तो वो जो उनकी निजी विचारधारा रहती है वो जाके बोलते हैं। जैसे माता पिता से कई लोग आके बोलते हैं, नहीं, आपका बेटा गलत कर रहा है और उसे सुधारना चाहिए, समझाना चाहिए। तो इससे होता है क्या है कि परिवार में और अशांति बढ़ती जाती है, तो उन मूर्ख लोगों के कारण ये हो रहा है। मैं भी पूरी तरह से बदल नहीं सकता हूँ और ना ही मैं बदलना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई एक पक्ष है जो बिल्कुल बदलना नहीं चाहता और एक दूसरा पक्ष है वो भी बदलना नहीं चाहता है, तो उस स्थिति में कैसे शांति स्थापित की जाए? तो चाहिए कि दोनों विपरीत हैं वो दोनों पास आए, दोनों थोड़ा थोड़ा बदलें। तो जो समझाने वाले हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि दूसरे पक्ष की बहुत ज़्यादा तारीफ करें, तो जिससे वो थोड़ा एक पक्ष दूसरी तरफ की तरफ जाए, और दूसरे पक्ष को जब वो समझाएं तो इस पक्ष की महानता को बताएं, और दोनों को एक साथ ना समझाएं, दोनों को अलग अलग समझाएं, और जब दोनों को समझाएं तो दोनों को अलग अलग तरह की बातें करें, और इस तरह से बात करें कि आप भी उस को सही समझते हैं, आप भी यानी जो आप बात बोल रहे हैं वो आप सही समझते हैं और वैसा होना चाहिए। तो इस तरह से मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट होगा तो फिर परिवार में शांति हो सकती है, संबंधों में, किसी भी तरह के संबंध हो,
और तनाव को दूर किया जा सकता है।